वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मजे में होंगे और जहाँ पे भी होंगे बहुत खुश होंगे। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग व्हाइटनिंग क्रीम्स यूज़ कर रहे हो तो उसको प्रॉपर वे क्या है यूज़ करने का, कहीं आप लोग उसको गलत तरीके से यूज़ तो नहीं कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि व्हाइटनिंग क्रीम यूज़ करने के बाद स्किन पर रैशेज़ हो जाती हैं, स्किन पे डार्क स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप सनलाइट में जाते हो तो आपकी स्किन पे बर्निंग होती है, वो इस वजह से होती है कि आपको पता ही नहीं है कि व्हाइटनिंग क्रीम्स को यूज़ कैसे करना है। मतलब सिर्फ चिट्टे गोरे तो नहीं होना है ना, अपनी स्किन को थोड़ा हेल्दी भी रखना है, अपनी स्किन की प्रोटेक्शन भी करनी है। सिर्फ व्हाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करके अपनी स्किन की मज़ीद हालत ख़राब तो नहीं करनी ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्रीम्स दिखा भी देती हूँ। कुछ आती हैं इस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में होती है और कुछ इस फॉर्म में होती है, मतलब ट्यूब्स की फॉर्म में होती है। आप लोग कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हो, अगर आपने सोच लिया है कि आज से मैंने व्हाइटनिंग क्रीम यूज़ करनी है तो अपनी हैबिट बना लो कि आज से मैंने एलोवेरा जेल भी यूज़ करनी है। जी हाँ, अगर आप लोग एलोवेरा जेल यूज़ करते हो व्हाइटनिंग क्रीम्स के साथ तो कभी भी आप लोगों के फेस पे रेडनेस, रैशेस या फिर ये कहो के वो जो डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं इस जगह पे या फिर जो बर्निंग होती है वो कभी भी नहीं हो सकती, चाहे आप कोई भी व्हाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रहे हो। अगर आप इस तरह की कोई क्रीम लगा रहे हो तो इसको स्किन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं करना है, लेकिन अगर आप लोग इस तरह की कोई क्रीम लगा रहे हो जो मेडिकेटेड है तो आप लोग इसको स्किन के अंदर अब्जॉर्ब करोगे। इन दोनों में से आप जो भी यूज़ कर रहे हो, इसको लगाने से पहले अपने फेस को वेट करना। इससे क्या होगा, एक तो ये इवनली स्प्रेड होगी, दूसरा इसकी बहुत ही थोड़ी सी मिकदार आपको लगानी पड़ेगी। इसके बाद सुबह उठ के ठीक है ठंडे पानी से फेस वॉश कर लिया करो। ठंडे पानी से वॉश करने के बाद कोई भी आप लोगों ने फेस वॉश, जेल, सोप कुछ भी यूज़ नहीं करना है, स्पेशली स्क्रब तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद दिन में किसी भी टाइम आप एलोवेरा जेल को मस्ट अपनी स्किन पे अप्लाई किया करो। चाहो तो आप लोग सुबह फेस वॉश करने के बाद साथ ही एलोवेरा जेल को अप्लाई कर दो, उसको 5 मिनट के लिए रहने दो, उसके बाद फेस को अगेन वॉश कर लो। अगर सुबह के टाइम आप जल्दी में हो, नहीं अप्लाई कर सकते हो, तो दिन में किसी भी टाइम आप एलोवेरा जेल को अप्लाई करो, उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दो। जब वो ड्राई हो जाए तो ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लो। मैं गारंटी से ये कह सकती हूँ कि अगर आप लोग इस तरह से यूज़ करोगे किसी भी व्हाइटनिंग क्रीम को तो आपकी फेस पे कभी भी रैश नहीं होगी, कभी रेडनेस नहीं होगी, कभी भी बर्निंग नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा एक और टिप देती चलूँ, जब आप ब्लीच करते हो तो कुछ लोगों को ब्लीच के बाद भी रैश हो जाती है, क्योंकि जब हम व्हाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं तो उससे हमारी जो स्किन की लेयर होती है वो पतली हो जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो उसके बाद जब हम ब्लीच करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी स्किन है वो बेचारी कितना बर्दाश्त करेगी, तो वो रेड हो जाती है, रैश हो जाते हैं, इचीनेस होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद आप लोग क्या किया करो ब्लीच अप्लाई करने के बाद कि एलोवेरा जेल को फ़ौरन से अपने फेस पे लगा लिया करो। आप लोग अगर आप लोग की स्किन पे रैश बनी भी होगी तो आप लोग देखोगे कि जस्ट 5 मिनट के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि थी कि व्हाइटनिंग क्रीम्स को आप प्रॉपरली कैसे यूज़ कर सकते हो ताकि वो आपकी स्किन को कम से कम नुकसान पहुंचाए। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है और मेरी फर्दर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मज़े में रहो और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।